एसएस राजामौली। दोस्तों ये नाम इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल कर रख देगा, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में ऐसा बोला भी है और आज भी बोलूंगा। दोस्तों इस बंदे का इमेजिनेशन पावर अनबीटेबल है, जिस हिसाब से इसका क्रिएशन है, जिस हिसाब से इसका स्क्रीन राइटिंग और स्क्रीन प्लेसमेंट है नेक्स्ट लेवल। वीएफएक्स का सटीक इस्तेमाल करना, एक्शंस में बिल्कुल हॉलीवुड मूवी का वाइब देना, बीजीएम का भरपूर तरीके से यूज करना, अपनी कहानी को पब्लिक में कैसे इन्वॉल्व करना है ही नोज बेटर। कैरेक्टर्स का रोल प्ले, एवरीथिंग इज टिप टू टॉप एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यस, आफ्टर बाहुबली एंड ट्रिपल आर और धमाका करने जा रहे हैं एसएस राजामौली। खबर इतनी तक सुनने में आ रही है कि बाहुबली और ट्रिपल आर से भी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने जा रहे हैं इस बार। तो आज जानेंगे कि कौन सी नई फिल्म आने वाली है, इस बार मेन लीड में कौन रहेगा, मूवी का बजट कितना रहेगा, स्टोरी कैसी रहेगी, मूवी कब रिलीज होगी और भी ढेर सारी बड़ी अपडेट्स और बातें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 2015 में जब बाहुबली आई थी, किसी ने नहीं सोचा था कि इंडियन सिनेमा में ऐसी फिल्म भी आएगी। जब इसका ट्रेलर आया था, लोगों ने तब भी अनुमान नहीं लगा पाए कि मूवी का लेवल कितना होने वाला है, और जब मूवी देखी है तो क्या देखकर निकले हैं समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक अटैचमेंट क्रिएशन उन्होंने ये रखा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। भाई साहब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल क्वेश्चन बन चुका था ये। उसके बाद आई बाहुबली 2, इसने तो जो आग फैलाई पब्लिक में, एक नंबर। कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो इस बाहुबली के सिक्वल ने करा था। बस क्या बाहुबली की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, एसएस राजामौली ने ट्रिपल आर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दोबारा सिनेमाघर में उतार दी। लेकिन इस बार इंडियन ऑडियंस से कुछ क्रिटिक्स मिले, लेकिन एसएस राजामौली इस बंदे को अपने काम पर इतना भरोसा था कि ऑस्कर जीतकर हेटर्स के मुंह पर तमाचा मारा था और दुनिया भर में इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल दिया था। पहला ऑस्कर ट्रिपल आर की वजह से भारत को मिला। यस, तो आफ्टर ट्रिपल आर एसएस राजामौली आने वाले हैं महेश बाबू के साथ विद न्यू कोलैबोरेशन विद न्यू क्रिएशन। बता दो दोस्तों मूवी का थीम एंड कंटेंट बिल्कुल एडवेंचरस रहने वाला है। अगर जिसने जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ या जर्नी 2 देखी हो तो वो रिलेट कर लें कि ये है फ्रेमवर्क आगे के प्रोजेक्ट का एसएस राजामौली का। दोस्तों एक नहीं तीन सिक्वल आ सकते हैं इस फिल्म के, और ऐसा नहीं है कि तीनों में ही महेश बाबू ही रहेंगे। स्टार कास्ट हर पार्ट में बदल सकती है और बड़े बड़े चेहरे देखने को मिल सकते हैं। मेरे होश तो वहां उड़े जब इस सिक्वल्स के बजट मुझे सुनने में आया। दोस्तों 2100 करोड़ का भारी भरकम बजट यूज करा जाना है, तो आप अब अंदाजा लगा लो कि मूवी का लेवल क्या रहने वाला है। दूसरा एसएस राजामौली इस बजट का कितना सटीक इस्तेमाल करेंगे उससे हम सब वाकिफ है। फुल इंटरनेशनल लेवल की मूवी होने वाली है जो नो डाउट 5000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस तो करके जाएगा भाई साहब, और साथ में महेश बाबू जैसी फिट एंड फैंटास्टिक कास्ट मेन लीड में। दोस्तों अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं कि मूवी क्या धमाकेदार होने वाली है। बता दो दोस्तों मूवी को अफ्रीका के जंगल में शूट करा जाना है, लेकिन 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 पूरी कनेक्टिविटी इंडियन कल्चर की होगी। बताया ये तक जा रहा है कि रामायणा का सम पार्ट इस्तेमाल होने वाला है मूवी में, जैसे राम सेतु आई थी छोटे से पार्ट से पूरी मूवी बना डाली। जी हाँ, महेश बाबू को एज ए हनुमान टाइप पार्ट में दिखाया जाएगा। अगर आप इमेजिन कर लो कि कैसे संजीवनी बूटी लाने हनुमान को भेजा था और वो पूरा पहाड़ सहित जंगल उठा लाए, बिल्कुल वैसा ही एसएस राजामौली दिखाना चाहते हैं ग्लोबल स्क्रीन्स में पब्लिक को। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सारा ग्लिच कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, छोटी मोटी कमियां देखने को मिल जाती है। यस, बता दूं तो महेश बाबू की फैन फॉलोइंग साउथ बेल्ट में तेलुगु इंडस्ट्री में अमेजिंग है, लेकिन इसके उल्टा नॉर्थ बेल्ट में बिल्कुल बेकार पकड़ है महेश बाबू की। वो इसलिए भी क्योंकि महेश बाबू के एक दो कंट्रोवर्शियल बयान देखने को मिले थे, जैसे कि बॉलीवुड कैंट अफोर्ड मी, और इसके बाद जो ट्रॉल हुए वो सब जानते हैं। फिर जब पान मसाला का ऐड किया था तब बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था महेश बाबू को। दोस्तों पहले प्रभास, फिर रामचरण और जूनियर एनटीआर, और अब महेश बाबू। क्या लगता है महेश बाबू एज हनुमान नॉर्थ बेल्ट में पकड़ बना पाएंगे? दूसरा क्या लगता है, ऑस्कर मिल गया, इतना फेम मिल गया, बैक टू बैक तीन फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट हो गई, तो ये फेम कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो साबित नहीं होने वाला है? एक ही फिल्म में 2100 करोड़ से ऊपर का बजट घुसेड़ना समझदारी है या फिर जल्दबाजी में इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्क्रीन्स पर घुसेड़ने की बेवकूफी? दूसरा कहते हैं ना कि कभी तो ऐसे फैसले लेने ही थे, तो क्या एसएस राजामौली पर हम सब भरोसा कर सकते हैं एक बार और? क्या है आप लोगों की राय, क्या कहना है आप लोगों का, सब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। बाकी इससे जुड़ी और भी अपडेट्स आती हैं तो हम आपके सामने जरूर हाजिर हो जाएंगे। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।